प्रस्तुत है जगन्नाष्टकम। Thank you.
बसति लीला परिचयो
जगन्नाथ की महिमा गान के बाद अब प्रस्तुत है अर्धनारीश्वर। भगवान शिव और
पार्वती की संयोग से ही इस सृष्टि का उद्भव और विस्तार हुआ है। शिव और पार्वती यानी शक्ति और सौंदर्य, तांडव और लास्य, प्रकृति और पुरुष का मिलन। पार्वती है जगत की जननी और शिव जगत के पिता। इन दोनों का आविर्भाव इस सृष्टि के संचालन का सत्य है। ऐसे देवी स्वरूपा अर्ध नारीश्वर को प्रणाम। रचना राग मालिका ताग मालिका में नृत्य संरचना गुरु पंडित गलूचरण महापात्र, संगीत पंडित रघुनाथ पाणिग्रही का। प्रस्तुत है अर्ध नारीश्वर। Oh,
Thank you.
Oh,
नारीश्वर के बाद सुजाता जी आज की प्रस्तुति का समाहार मोक्ष से कर रही है। आदि शंकराचार्य की हरिनाम पदावलियों को आधार बनाकर प्रस्तुत इस अंतिम नृत्य में आदि शंकराचार्य की सगुण निर्गुण उपासना के दर्शन भी होते हैं। वे हरिनाम को जपने का संदेश देते हैं और उसी के सहारे परमात्मा में विलीन हो जाने का आह्वान भी करते हैं। मोक्ष दर्शन नृत्य के माध्यम से नृत्यांगना की अपार भक्ति और समर्पण का प्रतीक भी है। आपको बता दें कि मोक्ष की इस प्रस्तुति की संगीत परिकल्पना श्री रूपक कुमार परिजा ने की है। Thank you.
Thank you.
Ramam